Hey, welcome back. फिर से एक बार आया हूं आपके लिए पार्ट टू लेकर यहां पे क्वेश्चंस आपने पार्ट वन नहीं देखा तो इसी का पार्ट वन देख लेना क्वेश्चंस जो पहले से थे हमने इसमें बहुत इस सारे क्वेश्चंस करवाए थे ये सारे क्वेश्चंस जो एक से लेकर के दस तक था हमने इसमें करवाया अब इसमें मैं पार्ट टू में फिल इन फिलिंदी ब्लैंक्स और ट्रांसलेशन है मैं इसे इस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसके तहत क्या होगा एक बेसिक से एडवांस आप बेहतर सीख पाओगे और साथ ही साथ ये सारे वीडियो को मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ उस टेलीग्राम पर जा के भी आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो तो पूरे पार्ट को मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम के भी पढ़ सकते हो आप इस के माध्यम से आपने डीएसएल का सब्सक्राइबर थर्टी लैक्स करवाया ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है मैं आपको अंदर से शुक्रिया अदा करता हूं आपने इतना प्यार दिया इतना बढ़िया काम किया आप को बहुत बढ़िया बहुत बहुत प्यार यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिलिंदी ब्लैंक्स का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है इसको आप देखने का प्रयास करें मेरे साथ समझने का प्रयास करें एक्चुअली जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करना चाहिए यहाँ पर फिलिंदी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर देखा कि ऐसा क्या करें कि आखिर जो ऐसा क्या करें हम कि क्वेश्चन मेरा सही हो जाए हमने कहा आई रिच्ड होम आफ्टर द सन्न अब यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया हुआ सेट तो हम ऐसा क्या सोचें कि ब्लैंक्स वाला पार्ट या स्टेटमेंट सही हो जाए तो कॉन्सेप्ट कहता है कि ध्यान देना बेटा अभी जस्ट पिछली वीडियो में कहा था कि आफ्टर और बिफोर ये दो ऐसा वर्ड है जिसको आप ध्यान देना बचे कि आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का पे होता है ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है आफ्टर के बाद हेड प्लस भी थ्री और बिफोर के बाद एस प्लस बी टू ये आप याद रखोगे तो दो चार क्वेश्चन फ्री बन जाएंगे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो चाहे एस एस सी यू पी एस सी आप उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और आपसे बनना शुरू हो जाएगा तो आई रिचड होम बोलो सिंपल पास्ट है कि नहीं है तो बोलो आफ्टर के बाद यहाँ पे सनसेट दिया है तो आफ्टर चूंकि पहला क्लास तुम्हारा पास्ट का है, तो आगे ऐसा क्या करें कि पास्ट हो जाए तो आफ्टर सेट यानी यहां पे मुझे जोड़ना चाहिए the sun के बाद जोड़ना चाहिए तब यहां पे सेट आएगा अब बताओ क्या है आपको नहीं ना अगला देखो क्वेश्चन नंबर टू की बात करता हूं वेन सी केम इन टू द हाउस हर ड्रेस बी डर्टी बी का मतलब पता है क्या होता है बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर यानी बी का मतलब होता है इज ए मारवाज वर तो वी का मतलब इज ए मारवाज वर तो आपको यह ध्यान रखना है कि वी के बाद इज ए मारवाज वर होता है तो आपको यही ध्यान देना है यानी बी का जो मतलब होता है वो इज ए मारवाज वर होता है तो यहाँ पे ध्यान दो हमने यहाँ पे बी बोला तो बी का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए हर सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होना चाहिए हर वाज डर्टी क्वेश्चन नंबर थ्री इफ ही हैड देखो इफ ही हैड कम ऑन टाइम अब बोलो इफ के साथ हैड आया कि नहीं आयानी इफ के साथ हैड आया तो कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि इफ के साथ हैड प्लस वी थ्री का प्रयोग किया जाए तो आने वाले क्लाउज में हम वुड का प्रयोग करते हैं और वुड हैव के साथ हम वी थ्री का प्रयोग करते हैं तो यहाँ देखो वुड तो आया है यानी हेल्प के साथ मैं ऐसा क्या करूँ तो यहाँ पे इफ के साथ हैड वी थ्री है इफ ही हैड कम ऑन टाइम इफ ही हैड

हेल्प सेंटेंस सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट अब हमने कहा यहाँ पे आप ध्यान देना कि सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन के निकला यहाँ पे समझने वाली बात है हमने कहा सी गो टू लास्ट नाइट अब ध्यान देना आप इसको लिख लो लास्ट पास्ट जो वर्ड आ जाए अगो बिफोर स्टे इन सब का प्रयोग सिंपल पास टेंस में करते हैं तो बोलो सी गो होगा कि वेंट होगा इस गो को काट करके अगर वेंट कर दो तो सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा सी वेंट टू दिल्ली लास्ट लास्ट नाइट नाइट क्योंकि का प्रयोग हमेशा हम लोग पास में करते हैं तो सी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट अब यहां देखो आई वुड फ्लाई स्ट्रक्चर कहता है इसका कि इफ प्लस क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर रहा हूं मैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नौ तो आने वाले क्लाउस में वुड प्लस वी वन का प्रयोग करते हैं अब देखो इफ के साथ बी लगाया ना तो इस बी का मतलब क्या होना चाहिए इज ए मार आर बीन तो यहां पे वर है कि नहीं तो इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई यदि मैं तुम्हारी जगह होता इफ आई वर यू है ना यदि मैं यदि वर... मैं चिड़िया होता इफ आई वर वर्ड आई वुड फ्लाई तो मैं उड़ता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता इफ आई वर द पी एम ऑफ इंडिया आई वुड इेट द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर इफ आईवर द पी एम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर तो इस तरह से मुद्दा आप उठा सकते हो आप इस तरह से काम कर सकते हो तो यहां से क्वेश्चन क्या होगा वी कैसा में क्या लगाएंगे हम वर्ग का प्रयोग करेंगे बात समझ में आया बालक यहां पे हम लोग वर्ग का प्रयोग करेंगे यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे -e -e. डब्ल्यू ई आर ई क्लियर बच्चे ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन भी करना है यहां पे पांच क्वेश्चंस दिया हूं जो आपको बनाना है वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम उससे मिलना नहीं चाहते सॉरी वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम उससे मिलना नहीं चाहते अब यहां देखो वह सुबह से तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी टाइम का प्रयोग कर दिया जाए जब भी टाइम का प्रयोग कर दिया जाए तो वह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है तो लिख लो इसका क्या बनेगा शी हैज विन सी हैज विन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग एंड यू डोंट वॉन्ट टू मीटर यानी बनेगा वह सुबह से तुम्हारी इंजार कर रही है यहां से देखो वह सुबह से सुबह से है ना सुबह से तो सिंस मॉर्निंग शी हैजीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग और तुम एंड यू है ना नहीं चाहते हो डोंट टू मीट हर तुम उसे मिलना नहीं चाहते हो दूसरा बोल रहा है ये सबको स्क्रीन शॉट लेके लिख भी लो ना दूसरा कह रहा है तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था अब ध्यान दो तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था अब यहां पर कैसे बोले तुम्हें अंग्रेजी नंबर टू की बात करूं दो तो नंबर टू बना रहा हूं तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश ठीक है बच्चे तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो क्योंकि बिकॉज यू बिकॉज यू बिकॉज यू लिव इन हमें क्या कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था ये हो गया सलाह जब सलाह दें तो शुड का प्रयोग करते हैं लेकिन पास्ट की बात करा तो शुड हैव लगाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो यहां बात हो गई क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करूं मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो तो मैं तुम्हें जान रहा हूं तो ध्यान देना आई एम नोइंग नहीं क्योंकि जानना एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम आई एन जी नहीं लगाते बेटा तो ध्यान देना मैं तुम्हें जान रहा हूं तो जान रहा हूं तुम ईमानदार हो तो जानने के साथ आई एन जी का प्रॉब्लम लगाते तो है तो कॉन्टिन्यूस का लेकिन बनेगा प्रेजेंट टेंस में तो बनाएंगे नंबर थ्री को ध्यान दो बनेगा आई नो दैट यू आर आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट तो हमने कहा आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट तब यहां बन गया मैं तुम्हें जान रहा हूँ कि तुम ईमानदार हो देख लो कौन से अगला कौन सब देखते हैं अगला कह रहा है मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है तो मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है अब ध्यान दो कि मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है तो मेरा दोस्त क्या हो जाएगा माई फ्रेंड अब कल गया है तो कल हो गया पास्ट तो क्या लगाओगे स्टरडे तो लिख लो आप माई फ्रेंड वेन टू बॉम्बे स्टरडे माई फ्रेंड वेन टू बॉम्बे स्टरडे लगा लोगे आप तो माई फ्रेंड वेन टू बॉम्बे स्टरडे स्टरडे का प्रयोग कहाँ करते हैं हम सिंपल पास्ट में है ना अब यहाँ को सर गया है लगा है सो तो गया है बहुत बस माई माई फ्रेंड हैज़ गोन टू बॉम्बे स्टरडे गलत हो जाएगा क्योंकि अब जो लड़का पढ़ा हुआ अंग्रेजी जिसके में गया है या दी है ली है नहीं ऐसा नहीं पढ़ता अंग्रेजी जो टाइम को देखो अंग्रेजी बनाने के लिए टाइम टेंस का नहीं सिर्फ टाइम का प्रयोग हिंदी से अंग्रेजी नहीं बनता टाइम से बनता है यहां पे कल की बात कर रहा है तो कल की बात करगा तो मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे यहां पे क्या लगा बेटा वेंट का प्रयोग करोगे राइट right? यहां पे हैज गोन का प्रयोग मत करना तो क्या बना दोगे माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे स्टार्टेड कर लोगे यहां तक आगे बढ़ते हैं तो अब अगला कॉन्सेप्ट है टेस्ट मैच कल शुरू होगा टेस्ट मैच कल शुरू होगा अब देखो यहाँ पे गा आगे गागेगी है बहुत बड़ा सोचेगा कि गा आगे गागेगी मतलब फ्यूचर है तो फ्यूचर का लेकिन टाइम कह रहा है कि जो एक्शन फिक्स हो क्योंकि एक्शन दो तरह का होता है एक्शन अगर फिक्स हो और एक होता है नॉट फिक्स हो ठीक है तो अगर एक्शन फिक्स हो तो हम प्रेजेंट में बनाते हैं और अगर एक्शन नॉट फिक्स हो तो हम फ्यूचर में बनाते हैं अब बोलो टेस्ट मैच कल शुरू होगा फिक्स है एरोप्लेन कल जाएगी फिक्स है या ट्रेन दस बजे जाएगी फिक्स है तो जो एक्शन फिक्स हो हम प्रेजेंट बनाते हैं तो बनाएंगे द टेस्ट मैच ठीक है स्टार्ट्स टमोरो ना कि दैच विल स्टार्ट टमोरो विल का प्रयोग करना गलत होगा क्योंकि विल नहीं आ सकता क्योंकि एक्शन फिक्स है तो जब कोई भी एक्शन फिक्स होता है तो हम प्रेजेंट टेस्ट बनाते हैं और भी वन या वी फाइव का प्रयोग करते हैं जब नॉट फिक्स होता है तो हम व्हील सेल लगा सकते हैं इस तरह कॉन्सेप्ट है आप कर सकते काम और हाँ इसके साथ टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और सीख सकते हो मेरे दोस्त मैं दो बात कर रहा हूँ आपसे अगर आप बढ़िया पढ़ पा रहे हो मैं आपको स्पोकन भी दे रहा हूँ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ अंग्रेजी बोलो भी लिखो भी और सीखो भी मेरे आपने इतना सपोर्ट किया इस वीडियो को पूरे भारत में आप शेयर कर रहे हो आप उस पूरे क्रांति की तरफ फैला रहे हो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो लाइक्स बढ़ा रहे हो ये इतना बढ़िया आप काम करो मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ आपसे और हमेशा खुश रहूँगा और आज के डेट में थर्टी लैक्स थ्री मिलियन सब्सक्राइबर अपने आप में बड़ी बात है जो आपने कर दिखाया और ये सरासर आपको जाता है आप दिल्ली आना चाहो तो आ जाओ मैं आपसे मिलता हूँ और दिल्ली आकर पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ भी सकते हो घर बैठे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू वेरी मच